साथियों, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर के रूप में भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान है। भारत इस पार्टनरशिप को पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। ये सेंटर दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जामनगर की धरती पर डॉक्टर ट्रेडोस और पविंद्र जी की हाजिरी में ये सिर्फ एक भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि होलिस्टिक हेल्थ केयर के बढ़ते आकर्षण के कारण आने वाले 25 वर्ष में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया के हर परिवार के लिए अति महत्व का केंद्र बन जाएगा, इसका यह शिलान्यास है। और आयुर्वेद में तो अमृत कलश का बड़ा महत्व है और अमृत काल में ये कार्य का आरंभ हो रहा है, इसलिए मैं एक नए विश्वास के साथ एक दूरगामी प्रभावों का असर देख रहा हूं। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत सुखद है कि इस ग्लोबल सेंटर की स्थापना हमारे जामनगर में हो रही है। जामनगर का आयुर्वेद से एक विशेष रिश्ता रहा है। 5 दशक से भी ज्यादा पहले जामनगर में विश्व की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। यहां एक बेहतरीन आयुर्वेद संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये ग्लोबल सेंटर वेलनेस के क्षेत्र में जामनगर की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देगा। साथियों, डिसीज फ्री रहना, निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए।